भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में 15 दिन बाकी, अयोध्या के साथ साथ पूरा देश हुआ राममय। 22 जनवरी को घर घर जलेगी राम ज्योति, देश भर में दीपोत्सव का होगा भव्य आयोजन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की आज से 2 दिवसीय बैठक होगी शुरू, राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर होगी चर्चा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए महाप्लान हुआ तैयार, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री ने बोला 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा पूजन का पूरा कार्य। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में जलेगा 6 फीट की ऊंचाई का दीपक, वाराणसी में मिट्टी से बनाया गया है दीपक। रतलाम में 5 किलो चांदी से बनाया गया दीपक, राम गर्भ गृह में किया जाएगा इसको स्थापित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनकपुर से भार स्वरूप आए आभूषण, जनकपुर से अयोध्या के लिए निकाली गई थी यात्रा। आगरा के सराफा बाजार की बनी चांदी की पायल पहनेगी माता जानकी, मुस्लिम कारीगरों ने तराशी मयूर की आकृति। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पहुंचे अयोध्या, राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा 11 करोड़ का चेक। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रीराम की शरण में यूपी कांग्रेस पहुंच गई है, 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे यूपी कांग्रेस के नेता, श्रीराम लला हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम का विरोध करने वालों को बताया असुर, बोले असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। भक्तों को रामलला के दर्शन करवाएंगे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, कहा जो भी खर्चा होगा वो मैं ही दूंगा। 22 जनवरी को नासिक में कालाराम मंदिर जाएंगे उद्धव ठाकरे, गोदावरी नदी पर करेंगे महाआरती। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का विवादित बयान, कहा शादी है या श्राद्ध, जो दे रहे निमंत्रण संतों ने रोष प्रकट किया। सांसद बदरुद्दीन आजमल के विवादित बोल, कहा 20 से 26 जनवरी के बीच घर से ना निकले मुसलमान, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बदरुद्दीन आजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा ऐसे लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। श्री राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद मुश्किल में जितेंद्र आव्हाड़, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में अब तक 5 FIR दर्ज। जम्मू कश्मीर में भगवान राम के अपमान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट ने की एनसीपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस आज शुरू करेगी सहयोगी दलों से मंथन, और राज्यों में गठबंधन ने चुनाव लड़ने की है तैयारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। पीएम के लक्षद्वीप वाले वीडियो पर कांग्रेस का निशाना, खड़गे बोले फोटोशूट कराने का समय लेकिन मणिपुर जाने का नहीं, बीजेपी ने किया पलटवार। पूर्व विधायक मेवाराम जैन कांग्रेस से निलंबित, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको सस्पेंड किया, पत्र किया जारी। जम्मू कश्मीर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में रोड शो किया, कहा मोदी राज में मिट रही है गरीबी। मिशन 2024 को लेकर पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। गुजरात के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल, आदिवासी इलाकों पर रहेगा फोकस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा चुनाव आयोग, कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे अधिकारी। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने नोटिस जारी करने का दिया आदेश। एक देश चुनाव पर गठित समिति ने आम लोगों से मांगा सुझाव, अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगा विधि आयोग। डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन, राजस्थान के जयपुर में हो रही है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एक्शन, पुलिस ने विकास सिंह के घर को किया कुर्क। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर, येलो अलर्ट जारी, बारिश की भी संभावना। पंजाब के अमृतसर में शीतलहर और घना कोहरा बरकरार है, कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों का हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे छाए रहने की जारी की चेतावनी। लखनऊ में 10 जनवरी तक बढ़ाएगी स्कूल की छुट्टी, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के तमाम स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 तक खुले रहेंगे। जम्मू में 12 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी, बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला।